नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया ऑनलाइन लीगल एडवाइस, साथ ही मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या 498 ए के जितने भी केसेस होते हैं, डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 3/4 के जो केसेस होते हैं, क्या सारी की सारी डेट अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है? डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के हिसाब से जो कंप्लेन केस मेंशन की जाती है वाइफ के द्वारा आपके अगेंस्ट में, यानी हस्बैंड या इन लॉज या रिलेटिव्स के अगेंस्ट में, क्या सारे केस की डेट जो कोर्ट हियरिंग है वो अटेंड करना जरूरी है? जी हाँ, अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं और क्रिमिनल नेचर के केस में आपकी ये मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो कोर्ट हियरिंग है वो आप अटेंड कीजिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको धारा 205 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां पर मैजिस्ट्रेट को पावर है, जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनको पावर दिया गया है कि वो डिस्पेंस कर सकता है, वो चाहे तो आपको कह सकता है कि आप केवल इंपॉर्टेंट हियरिंग में ही अपनी पर्सनल अटेंडेंस रिक्वायर्ड कीजिए या मार्क कीजिए। 205 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड, इसके हिसाब से आपको छूट मिल सकती है, तो आप ये भी धारा ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको जब कभी भी मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट डेट है, आपका आना जरूरी है आपके स्टेटमेंट के लिए, किसी और काम के लिए, तो निश्चित रूप से आपको समन कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है। इस कंडीशन पे आप पर्सनली अटेंड हो जाइए आपके लॉयर के साथ में और ऐसी किसी भी हियरिंग को आप मिस ना करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं जहां पर कोर्ट आपको डायरेक्ट करती है, तो इन सारी स्टेजेस को भी ध्यान रखिए, आपके लॉयर से कोऑर्डिनेट करके रखिए। जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां पे तो निश्चित रूप से जाइए, लेकिन अगर ये जवाब क्या 498 के सारे केसेस में, जो 498 ए के जो इंडियन पिनल कोड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं, जो पत्नी के द्वारा आपके और आपके परिवार वालों के अगेंस्ट में फाइल किए गए, चाहे झूठे हैं या सच है वो बात की बात है, लेकिन जो फाइल किए हुए केस में क्या आपको पर्सनली हर डेट पे अपने परिवार के साथ जाना आवश्यक है, जिन्हें भी इसमें भागीदार बनाया गया है इस केस में? तो मैंने आपको जवाब दिया, जी हां, जाना जरूरी है आपको, क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं और आपको कोर्ट अपीयरेंस देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर मैजिस्ट्रेट चाहे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चाहे, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट चाहे, तो अंडर सेक्शन 205 सीआरपीसी आपकी अटेंडेंस को वो कंपल्सरली नहीं भी कर सकती। अगर आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको कोर्ट से इस एप्लीकेशन को अलाउ करवाना पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी आता है, क्या एमएलसी मतलब जब कभी भी 498 के मैटर होते हैं, अगर मारपीट का मामला है तो मेडिकल टेस्ट होता है, किसका मेडिकल रिपोर्ट बनती है, किसकी? विमेन की, वाइफ की। तो इस कंडीशन पे अगर नहीं बनी है तो क्या वो 498 केस दर्ज कर सकती है? जी हाँ, 498 ए का केस तब भी दर्ज किया जा सकता है, इवन दो अगर महिला की डेथ हो गई है तो भी 498 ए का केस दर्ज किया जा सकता है। एमएलसी रिपोर्ट बनी है या नहीं, मेडिकल रिपोर्ट तैयार बनी है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 498 का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से क्रुएलिटी, मेंटल एंड फिजिकल, ये जो हरेशमेंट है, ये जो क्रुएलिटी है, वो प्रूफ करना ज्यादा अनिवार्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस हिसाब से इसकी रेलिवेंसी नहीं है कि एमएलसी रिपोर्ट बनी है या नहीं बनी है। हम लोगों ने दो पर्टिकुलर टॉपिक पे बात किया, पहला क्या आपको हर अटेंडेंस पे जाना जरूरी है? जी हाँ, आपको जाना है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते आप मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को आप बताइए कि आप क्यों नहीं आ सकते। 205 सीआरपीसी के हिसाब से आपके जो अटेंडेंस है वो कोर्ट कम भी कर सकती है या आपको कह सकती है कि आप इंपॉर्टेंट अटेंडेंस या इंपॉर्टेंट डेट्स पे आइए। इसके साथ एमएलसी के बारे में भी हम लोगों ने बात की, मेडिकल रिपोर्ट विमेन की, डोमेस्टिक वायलेंस 498 ए केस में बात की कि अगर नहीं है या विमेन की डेथ हो गई तो भी क्या 498 ए का केस रजिस्टर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि प्राइमा फेसाई केवल और केवल डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी प्रूफ करने की जरूरत होती है। आपको वीडियो, आपको ये जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अभी तक अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और साथ ही अगर आप
दूसरा कोई मोड चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा जहां से आप आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करने हेतु मुझे आवेदन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आप कीमती और महत्वपूर्ण समय हमें देते हैं।